Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study unit number 6, The 100 Dresses Part 2, written by Elpsor Astor. Elpsor Astor के द्वारा लिखित The 100 Dresses 100 पोशाकें भाग 2 की वीडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है. पैसेज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पहले लेसन नंबर जो इससे पहले समझाया गया था उसके बारे में चर्चा करते हुए अब यहां क्या होगा इस लेसन नंबर दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में. जो पहले लेसन था उसके क्रम में उसी क्रम में दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 ये प्रकट करता है, स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से या क्यों वेंडा पेंट्रोस की स्कूल नहीं जा रही थी. पेंट्रोस की परिवार ने एक बड़े शहर में जाने का निश्चय किया जहां कोई उनके अपरिचित नाम का मजाक न बना सके, उनके बारे में कोई ज्यादा न सोच सके. इस बात को पत्र के बारे में पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मैडी और पैगी थोड़ी सी चिंतित हो गईं, क्योंकि वे समझ गईं कि उनको वेंडा से जो उन्होंने प्रश्न पूछ पूछ करके उसको सताया, उन गलतियों को सुधारने का उन्हें कभी मौका नहीं मिल सकेगा. दोनों ही लड़की जानकर के ये अच्छा महसूस करती हैं कि वेंडा उनको पसंद करती है और उसने अपनी 100 ड्रेसेस में से प्रत्येक को एक ड्रेस समर्पित कर दी है. किस प्रकार से की है, किस प्रकार से पता चलता है, आइए हम लेसन को स्टडी करते हैं पैसेज वाइज. वैसे स्टूडेंट्स ये लेसन दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 ये हमें शिक्षा देता है कि हमें चाहे कोई व्यक्ति समाज का छोटा है, बड़ा है, गरीब है, किसी भी प्रकार का है, हमें उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए. पता नहीं उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर जो हमारा क्लासमेट है, उसके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है. ये लेसन हमें इसी बात का संदेश देता है. तो आइए शुरू करते हैं. व्हाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम The monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. उस लेसन में जो पार्ट 1 था उसमें क्लास के सारे बालक जहां पर सुंदर पोशाकों के रेखाचित्र चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी उसमें घूम रही थी पूरी क्लास, पूरे क्लास के बालक. तो वाइल जब द क्लास वॉज सर्कलिंग, सर्कलिंग मीन्स मूविंग अबाउट द रूम, कमरे में घूम रही थी या पूरी क्लास के बालक कमरे में घूम रहे थे, तभी मॉनिटर कक्षा नायक फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के कार्यालय से कक्षा नायक ब्रॉट लाया मिस मैजन, मिस मैजन के लिए ए नोट, एक नोट, एक पत्र. जब पूरी कक्षा या पूरी कक्षा के छात्र छात्राएं कमरे में इधर उधर घूम रहे थे तो प्रिंसिपल के कार्यालय से कक्षा नायक मिस मैजन के लिए एक पत्र लाया. मिस मैजन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल. मिस मैजन रेड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैजन ने इसको पढ़ा, सेवरल टाइम्स कई बार पढ़ा.
एंड स्टडीड और अध्ययन किया इट इसका थॉटफुल्ली विचार पूर्वक फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए उसका विचार पूर्वक अध्ययन किया, विचार पूर्वक पढ़ा उस पत्र को. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने तालियां बजाई. अटेंशन क्लास, सावधान कक्षा, कक्षा के लड़के और लड़कियों सावधान. एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर एक को या हर एक वापिस अपनी अपनी सीट पर जाओ, सब अपनी सीट पर जाकर के वापिस बैठो. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Madden said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. When the shuffling of feet, feet means पांव या पैर, shuffling means इधर उधर बदलना, जैसे बालक पैरों को बदलते बदलते हैं तो उससे आवाज होती है. जब पैरों की आवाज हैड स्टॉप्ड बंद हो गई एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और कमरा स्थिर और शांत हो गया, किसी प्रकार की कमरे के अंदर हलचल नहीं थी, तब मिस मैजन सेड, मिस मैजन ने पत्र को पढ़ते हुए कहा, मिस मैजन ने कहा, क्या कहा, आई हैव ए लेटर, कि मेरे पास एक पत्र है फ्रॉम वेंडाज फादर, वेंडा के पिता का, यानी कि वेंडा के पिता से मुझे एक पत्र मिला है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं. मिस मैजन स्टूड देयर फॉर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रो टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैजन स्टूड देयर, मिस मैजन वहां खड़ी रही, अ मोमेंट एक पल के लिए, एक क्षण के लिए. एंड द साइलेंस इन द रूम, और कमरे के अंदर शांति, खामोशी या चुप्पी. ग्रू टेंस तनावपूर्ण, एंड एक्सपेक्टेंट और आशापूर्ण हो गई. कमरे के अंदर जो शांति थी वह तनावपूर्ण और आशापूर्ण हो गई. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Teacher, अध्यापक ने adjusted, सही किया, ठीक किया, व्यवस्थित किया, her glasses, अपना चश्मा, slowly, धीरे से, and deliberately, और जानबूझ करके. अध्यापक ने धीरे से और जानबूझ करके अपना चश्मा ठीक किया. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Her manner, उसका ढंग, indicated, दर्शाता है. उसके व्यवहार ने, उसके ढंग ने दर्शाया या संकेत किया that what was coming, क्या होने जा रहा है. This letter from Wanda's father, यानी कि उसका जो व्यवहार था टीचर का वो इस तरह का था कि अब क्या होने जा रहा है, इस बात का संकेत देता था. This letter from Wanda's father, Wanda के पिता का ये पत्र, was a matter of great importance, एक बहुत बड़े महत्व का विषय था. Everybody listened closely as Mrs. Madden read the brief note. जैसे ही श्रीमती मैजन ने उस ब्रीफ में संक्षिप्त छोटा नोट में पत्र, जैसे ही मिस मैजन ने उस संक्षिप्त पत्र को पढ़ा तो everybody listened closely, तो हरेक ने उसको ध्यानपूर्वक सुना. लिसन में सुना, क्लोजली मीन्स निकटता के साथ या ध्यानपूर्वक सुना. डियर टीचर, प्रिय अध्यापक,
माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। क्या लिखा था पत्र में, उसको मिस मैजन पढ़ती है कि प्रिय अध्यापक, माई वेंडा, मेरी वेंडा विल नॉट कम, नहीं आएगी टू योर स्कूल, आपके स्कूल में एनी मोर, अब और अधिक। मेरी वेंडा अब और अधिक आपके स्कूल में नहीं आएगी पढ़ने के लिए। जेक आल्सो, जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम मूव अवे चले जाएंगे टू बिग सिटी, बड़े शहर को। नो मोर होलर पोलैक, नो मोर हॉलर, हॉलर मीन्स चिल्लाहट, अब कोई चिल्ला करके पोलैक नहीं कहेगा। पोलैक पोलैंड के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक बहुत ही भद्दा शब्द, जिसे हम गाली भी कह सकते हैं, नाम से लेकर गाली देना, क्योंकि अब वहां उसमें लिखा था कि अब वहां कोई चिल्ला करके पोलैक नहीं कहेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, नो मोर आस्क, अब कोई ये नहीं पूछेगा कि ये नाम इतना मजाकिया क्यों है। फनी मीन्स मजाकिया। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स, बहुत से मजाकिया नाम इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। बड़े शहर में तो बहुत से मजाकिया नाम होते हैं, अनजान नाम होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। योर्स ट्रूली, आपका जैन पेंट्रोस्की। तो वेंडा पेंट्रोस्की के पिता का नाम जैन पेंट्रोस्की था। वेंडा पेंट्रोस्की का स्कूल में बहुत मजाक बनाया जाता था उसके नाम को लेकर के, उसके पोशाकों को लेकर के बहुत मजाक बनाया जाता था, इसलिए वेंडा ने स्कूल आना बंद कर दिया था। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने के पश्चात एक गहरी शांति हो गई। मिस मैजन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ। मिस मैजन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैजन ने अपना चश्मा उतारा, टुक ऑफ मिस उतारा, हटाया, ब्लू ऑन देम, उन पर फूंक मारी मुंह से, एंड वाइप्ड, और पोंछा या साफ किया, देम उनको, चश्मा को, चश्मे के शीशे थे उनको साफ किया, ऑन हर सॉफ्ट, अपने मुलायम सफेद रुमाल से उस चश्मे के शीशों को साफ किया। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, देन फिर उसके पश्चात सी पुट देम ऑन अगेन, अगेन मीन्स दोबारा उनको पहन लिया या लगा लिया चश्मा। लुक्ड एट द क्लास, कक्षा की ओर देखा। व्हेन सी स्पोक, जब वह बोली, हर वॉयस वाज वेरी लो, उसकी आवाज बहुत धीमा हो गई थी। मिस मैजन गंभीर हो गई थी, इसलिए उसकी आवाज भी धीमा हो गई जब वह बोली तो। आई एम श्योर, क्योंकि उसे पता चल गया मिस मैजन को कि रूम नंबर 13 के लड़के और लड़कियां एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, खास करके वेंडा पेंट्रोस्की का मजाक बनाया, इससे उसकी भावनाएं आहत हुई, ठेस हुई, और उसने स्कूल आना बंद कर दिया। इसलिए उसकी आवाज कि उसकी कक्षा के बालकों या जो स्टूडेंट्स हैं, स्थिति बड़ी गंभीर है। आई एम श्योर दैट नो नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings
because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I am sure, Miss Major कहती है कि मुझे विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है that none of the boys and girls in room 13, कमरा नंबर 13 के लड़के और लड़कियों में से कोई भी नहीं would purposely and deliberately, चालाकी से और जानबूझ करके, deliberately means जानबूझ कर, hurt चोट पहुंचाएगा या आघात करेगा या ठेस पहुंचाएगा anyone's feelings, किसी की भी feelings means भावनाओं को, because his or her name happened to be a long, क्योंकि उसका नाम लंबा है और अनजान है. मिस मेजर कहती है कि मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के लड़के और लड़कियों में से कोई भी चालाकी और जानबूझ करके किसी की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाएगा, ठेस नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा कि उसका नाम लंबा और अनजान है, अर्थात उसके नाम लंबा है, अनजान है, ऐसा कह करके कोई किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, चिढ़ाएगा नहीं, मजाक नहीं बनाएगा. इस बात को मिस मैजन कहती है सारी क्लास से. आई प्रीफर टू थिंक, मैं विचार करती हूं, सोचती हूं दैट What was said in thoughtlessness. I prefer to think, मैं विचार करती हूं या सोचती हूं that कि what was said, जो कहा गया, was said, वह कहा गया in thoughtlessness, लापरवाही से या बिना सोचे विचारे. मिस मैजन कहती है कि मैं ये कहना अधिक पसंद करती हूँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि व्हाट वाज सेड, जो भी कहा गया, वाज सेड कहा गया इन थॉटलेसनेस, विचारहीनता से, बिना सोचे विचारे या लापरवाही से कहा गया. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ऑल ऑफ यू, तुम सब फील महसूस करते हो, अनुभव करते हो द वे आई डू, जैसा मैं अनुभव करती हूँ, कि आप सभी, मैं जानती हूँ कि आप सबको वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे महसूस हो रहा है. दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और उदास घटना घटी. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं कि तुम सब इस बारे में विचार करो. मिस मेजर कहती है क्लास के सभी लड़के लड़कियों से कि जो कुछ भी ये घटित हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखपूर्ण है, और मैं चाहती हूं कि तुम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, किसी का मजाक न बने, किसी की भावनाओं को चोट ना पहुंचे. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे. और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, ताकि वो भी अपनी स्टडी ठीक प्रकार से कर सके. फिर मिलते हैं दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की वीडियो नंबर 2 में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.